यूं तो कहा जाता है कि अस्पताल जीवन देने के लिए बना होता है और वहां लोग इलाज कराकर ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन मऊ में एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जिसकी बिल्डिंग ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जर्जर छत के नीचे मरीज अपना इलाज कराने पर मजबूर है। डॉक्टर भी हमेशा भयभीत रहते हैं कि कब छत गिर जाए, लेकिन मजबूरी है कि नौकरी करनी है। हम बात कर रहे हैं मऊ जिले के रतनपुरा विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकरा की। बारिश होने के बाद अस्पताल में जगह जगह से पानी टपकने लगता है। इस अस्पताल पर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, और तो और जो इलाज करने के लिए मेडिकल उपकरण है उसमें भी जंग लगा हुआ है। अगर किसी को बोतल चढ़ाना हो, स्पायरी डेट का बोतल चढ़ाया जाता है। अस्पताल के शौचालय में कूड़ा करकट भरा हुआ है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी सरकारी अस्पतालों का दीन दशा अभी भी जस की तस है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी चक्रा रतनपुरा में आप किस पोस्ट पे तैनात हैं? फार्मासिस्ट पद। यहाँ पे 8 कर्मचारी तैनात हैं। सात कर्मचारी। सात कर्मचारी में इस समय 1:30 बज रहे हैं जी। केवल अकेले आप मौजूद हैं? हाँ अकेले हैं। आप अकेले ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, ड्यूटी हमारी आज यहाँ पे है, बाकी सबकी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगी हुई है। 4 लोग उसमें स्टाफ हमारे जोगापुर में हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ के अधीक्षक के द्वारा या सीएमओ साहब के द्वारा, और डॉक्टर साहब की ड्यूटी कंट्रोल में ड्यूटी 30 तारीख तक लगी हुई है और वहाँ उनके अब जिसके आदेश से लगा हुआ है। और ओनली मैं ही यहाँ बचा हूँ फार्मासिस्ट। मैं भी कोपागंज ड्यूटी करके आया हूँ और वो क्या बोलते हैं 1 तारीख से मैं यहाँ पे ड्यूटी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? यहाँ क्या डॉक्टर साहब आए थे, मरीज देख करके चले गए। कितने बजे गए? हम अर्जेंट 12:30 बजे। 12:30 बजे गए? 2 बजे तक हॉस्पिटल रहता है? हाँ 2 बजे। कितने मरीज आ जाते हैं पर डे? और लगभग 45-50। यहाँ पे कुछ दवाएं एक्सपायरी डेट भी मिली हैं, जैसे DNS का बोतल है वगैरह वगैरह, एक्सपायरी डेट की मिली हैं? उसका एक्सपायरी इसी महीने है, मतलब वो एक्सपायर होने के बाद नहीं लगाया जाएगा। अगस्त में एक्सपायरी डेट है आपका? सितंबर चल रहा है? नहीं, सितंबर में एक्सपायरी है। अगस्त 18। अब वो गलती से कहीं से अगर पड़ा हुआ तो उसकी दूसरी बात है, लेकिन मतलब एक्सपायरी किसी को नहीं। आपके हथियार जो टाका काटने के लिए चोटी देखिए, बिल्डिंग जर्जर है, टपकता है बारिश में, हथियार रखा हुआ है ठीक है, और जो भी है इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, पानी टपक गया, हम लोग चले जाने के बाद पानी टपक जाता है उसमें, जंग लग गया, फिर चेंज किया जाता है, फिर वही हालत हो जाता है 1-10 दिन के बाद। धन्यवाद।